मैं कहता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्यों चेलों को कहा कि मेरा पिता के पास जाना क्या है, जरूरी है। अगर मैं जाऊंगा तो सहायक पिता मेरे नाम से भेजेगा, जो स्वर्गदा तुम्हारे साथ क्या रहेगा, सहायक। हाँ, इसलिए मेरा पिता के पास जाना क्या है, जरूरी है। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो वो सहायक जो पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा, वो स्वर्गदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बात चेलों को यीशु मसीह ने ऐसे कही, बोलो क्या है? ऐसे कही। और फिर जी उठने के बाद जब 40 दिन यीशु चेलों के साथ रहा, उन्हें और भी परमेश्वर के राज्य की बातें समझाता रहा और सिखाता रहा, और 40 दिन के बाद जब वो उठाए जाने वाला था तो उसने कही कि यरूशलम को ना छोड़ना, क्योंकि जो पिता ने मेरे से इकरार किया है, वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम उसकी सामर्थ को क्या करना, प्रकट क्या करना, तुम उसकी सामर्थ को प्रकट करना। क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को पहले यह सिखाया था कि मेरा पिता के पास जाना क्या है, जरूरी है। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो वो सहायक जो पवित्र आत्मा जो स्वर्गदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, इसलिए जाना मेरा क्या है, जरूरी है। बोलो क्या है? फिर जाने से पहले उन्होंने कहा कि पिता ने मेरे से प्रतिज्ञा की है, वादा किया है, इसलिए तुम यरूशलम को ना छोड़ना। बोलो किसको ना छोड़ना? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम उसकी सामर्थ को पाओगे, मतलब पाओगे मतलब जिसे हम यूनानी में कहते लुबानो, लुबानो मतलब प्रकट करो, क्या करोगे। और सूचन को सुनकर जब यीशु मसीह चले गए, चेले वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उस बात की यरूशलेम में वेट कर रहे थे। और एक दिन वो शब्द जो यीशु मसीह ने वचन जो कहा था लिखा, उन्हें आंख से जीभें हुई फटती नजर आई, और उस त्योहार में जो पेंतेकुस्त जिसमें सब लोग इकट्ठे थे उन पर आ ठहरी, और वो सब पवित्र आत्मा से भरकर सब अलग अलग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन। इसीलिए रोमियों 8:26 में क्यों लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलताई में क्या करता है, सहायता करता है और पवित्र लोगों के लिए सिफारिश करता है। क्या करता है पवित्र लोगों के लिए? वो सिफारिश करता है, सिफारिश क्या करता है, सिफारिश करता है कि नहीं जे चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बुद्धि की प्रार्थना में भी नहीं बोलते। हाँ, बोलो क्या है? कुछ तो हम जैसे मान लो आपको कुछ चीजें तो हमें अगर याद है तो हम वचन से बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। जैसे मैं मेरी प्रेयर में एवरीडे में अपनी प्रेयर में ये बातें बोलता हूं कि परमेश्वर जो तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है मैं व्यर्थ नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? जो तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ मैं उसे व्यर्थ नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? मैं व्यर्थ नहीं चाहता। फिलिप्पियों 2:13 के वचन को मैं बोलता हूं कि परमेश्वर अपनी भेद की सुविच्छा के नेक काम के आराध्य को पूरा करने का प्रभाव मेरे जीवन में तू ढाल। क्या कर? तेरे वचन में लिखा है कि मेरा काम ना बुद्धि से ना बल से ना शक्ति से मेरी आत्मा से होगा। परमेश्वर मुझे आत्मा की अगुवाई दे। तेरे वचन में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, मुझे याद करके अपने जीवन के काम कर मैं सारे मार्गों को क्या करूंगा। फिर मैं जब मैं बैठता हूं और मैं ऐसे जताता हूं परमेश्वर को इस बात की, परमेश्वर तूने कहा था मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? तेरे वचन को तूने कहा है, अपने वचन को तूने कहा है कि मैंने ज्यादा महत्व अपने नाम से अपने वचन को दिया है। तो फिर परमेश्वर तूने तो कहा मुझे याद करके अपने जीवन के काम कर, क्या कर? अब अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में उन कामों को पूरा कर। देखना क्यों नहीं करेगा परमेश्वर? बोलो क्या है? वो करेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल हो जाएं,
मगर जो चीजें वचन में लिखी हैं, अगर आप उस रीति से प्रार्थना करें हो तो निश्चय उसका रिजल्ट और उत्तर आने वाला यीशु मसीह के नाम से। हर चीज जिस चीज चाहे कुछ भी आपके जीवन में, मुझे नहीं पता क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम तो नहीं है, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। कोई बंदा बीमार है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम तो नहीं ना, सबकी अलग अलग है। अब इस बात के लिए आपने सीखना और बढ़ना है। बोलो क्या है? इस बात के लिए आपने सीखना और इसमें बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सत्य को, इस वचन को, इस सच्चाई को अपने समझना है और इसमें अपने बढ़ना है। हाँ, आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने को, अब मैं प्रार्थना का विषय बता रहा हूं, जिनका मन ही नहीं करता वो क्या करें, इसका भी सलूशन है। बोलो क्या है? जिनका मन नहीं ना करता प्रार्थना करने को, मीटिंग में आने को, बाइबल पढ़ने को, कुछ भी करने को, अब वो कैसे प्रार्थना करें, उसका भी सलूशन है। मेरे पास सब चीजों का सलूशन है, क्योंकि खुदा ने इन चीजों पर मेरे ऊपर प्रकट किया है। अब मैं एक दिन में खुद मैं अपनी बात बताता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर, मैं बहुत से वचनों को लेकर प्रार्थना करता हूं और मैं बहुत घंटों अन्य भाषा भी करता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता हूं मनुष्यों से नहीं वो किससे बातें करता, और आत्मा भेद की बातें किससे करता है, और पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, सिफारिश करता है, इसे चाहिए, इसका ये काम है, करो। अब कितने लोगों को, कितने लोगों ने कितनी बार सुना होगा, पर वो कभी इस गिफ्ट को, इस फायदे को अपने जीवन में वो लेते नहीं। क्या नहीं लेते? इस गिफ्ट को, इस फायदे की बात को अपने जीवन में लेते नहीं। सच्ची, अगर आपके पास स्पिरिट है, बोलो क्या है, अगर आपके पास आत्मा है, बोलो क्या है, इस वचन को लेकर रोज एवरीडे 2 से 3 घंटे रोज आप अन्य भाषा करो, आपको एक हफ्ते में रिजल्ट मिलने वालेंगे, आपको उत्तर आने आएगा। क्या आएगा? अगर आपके पास पवित्र आत्मा है पर आपने इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा, जहां अपने अपने जीवन में पूरा नहीं किया, मैं कहता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आएंगे, एक हफ्ते के अंदर करके देखो। क्या देखो? चाह से करके देखो, चाह से, विश्वास से करके देखो।